अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। आज यूट्यूब की खबर मिली है कि कॉन्सर्ट में क्या कहते हैं उसे स्पोर्ट वीक होने वाला गलती से, तो देखते हैं फिर क्या मामलात हैं और क्या हिसाब है। अब लोगों से पूछते हैं कि यार बताओ कैसा होना है या नहीं होना और कैसा होता है। हमारा तो आज हम पहली दफ़ा ये है हमारा कि हम कॉन्सर्ट में कोई स्पोर्ट वीक देखें, नहीं तो बस खाली हम असाइनमेंट और क्विज़ेस ही देखते आए हैं अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूब की खबर मिली है कि कॉन्सर्ट में स्पोर्ट वीक हो रहा है। आपका क्या कैंसिल हो गया? कैंसिल मिलना था, सिर्फ असाइनमेंट थे, क्विज़ दस्ते आए हैं, स्पोर्ट भी कोई नहीं। सही है। अरुण भाई बड़ा प्यारा कवाल भी हैं, नुसरत फतेह अली साहब के छोटे शिगिर्द हैं। अगर स्टूडेंट वीक हो तो आपको एंटरटेन करूंगा, ये स्टूडेंट वीक आप जरूर एंटरटेन करेगा। अब्दुलरहमान साहब भी आ गए। अब्दुलरहमान सर, आप सुनाएं क्या हाल है? सर आप जल्दी गलती से आए हैं, जल्दी नहीं आए आप, लेट गए हैं। सर नहीं आए, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। बाहर से गर्मी से फिर के ना रंग हमारे पहले ही काले हो गए हैं, क्रीमें पहले ही महंगी हो गई हैं, ऊपर से टैक्स लग गया है, अब तो बहुत खर्चा हो रहा है भाई। रंग भी ख़राब हो गया सारा, दाने इस तरह निकले जिस तरह गरीब को जूतियाँ पड़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमें एक रूम मिला है जो फ्री है, तो हम उसमें बैठ के अब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए शरी साहब, सर साहब ऊपर देखे। मैं आप उसको बता रहे थे कि स्पोर्ट वीक नहीं होना, थोड़ा ऊँचा बोलो, रोटी नहीं खा दीजिए। आए बेचारे हॉस्टल वाले, मैं ते थारा दर्द समझूँ हूँ भाइयों, पर इस काम में घना खतरा। और ये में हमारे मौजूद भाई हैं, इनसे पूछना भाई बताएं फिर कि स्पोर्ट वीक होगा नहीं होगा। मैंने अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, जिनसे यही पता चला कि होगा। अभी म्यूजिकल नाइट भी करवा रहे हैं, इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है आप लोग भी आइएगा, सपोर्ट कीजिएगा कॉन्सर्ट को। बाकी ये भाई जो हैं ये हमारे चेयरमैन हैं यहाँ के, नैब साहब हैं। नैब देखा जी कितने सोना बचपा वो लेता गल क्या बढ़िया था गुरु। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नज़ाकत भाई? हाय हाय नज़ाकत भाई, ये वाली अदाएँ ना बताएं क्या कह रहे थे सर आपके डीएसए वाले? सर हमें कह रहे थे फ्री टाइम में पढ़ा करो, ग्रुप बना। ग्रुप अब ग्रुप बना लिया आपने? ग्रुप तो हमारा पहले से बना हुआ है, एक क्लास है और 10 ग्रुप है। बात ये है कि पढ़ाई करना हमारे बस के नहीं। हमें क्या करते हैं शुगर में लग रहा हो, जितने सिस्टम पार्ट लगवाने लगवा, पढ़ाई वाला मामला बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे पढ़ के, काम ही करना है, नौकरी करना है, डिग्री लेनी है ना, पढ़ के क्या करना है? अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे आने की गाल सुन लो, हमने पढ़ के क्या करना है, डिग्री करनी है ना, बस और क्या करना है हमने जाके उनसे जाके मशवरा लेंगे। और तो लाल भाई क्या हाल है? ठीक है, क्या हाल है? यार मैंने सुना है वो हो रहा है भाई, यही मेरी दवाएं अगर लग जाती तो आप यहाँ ना होते भाई। आहा बहुत चंगा नाम है सर। ये सारे आ गए हैं, चलें नज़ाकत भाई शुरू करेंगे सर। चलो जी, अर्ज़ किया है इरशाद, दीदारे इश्क ज़ालिमाना वार करता है। आए दीदारे इश्क ज़ालिमाना वार करता है, कातिल भी ज़ालिम दिल पे वार करता है। आए हाय, प्यार की खातिर इश्क से मुड़ गया है जो, प्यार की खातिर इश्क से मुड़ गया है जो, बेगाना होने की दुआ वो बार बार करता है। आए हाय, हर बार पूछते हो बड़े ही तल्ख लहजे से, हर बार पूछते हो बड़े ही तल्ख लहजे से, क्या तुमसे कोई पागल जहां में प्यार करता है। हाय हाय, जहाने हुस्न है अक्से मोहब्बत को, जहाने हुस्न में पा लिया है अक्से मोहब्बत को, अपने कल्ब में आशिक, अपने कल्ब में आशिक किसको शुमार करता है। मेरा काम हो रहा है। बहुत तमद्दन से खिलौना बना लिया है खुद को, बहुत तमद्दन से खिलौना बना लिया है खुद को, मोहब्बत की खातिर क्यों तो ज़िंदगी मेरा दिल तो चाहता है कि उनसे हाल दिल कह दूँ, मेरा दिल तो चाहता है कि उनसे हाल दिल कह दूँ, मगर डर लगता है अली जब प्यार इजहार करता है। आए हाय, ठोक दीजिए 5000 लौटे।